आपके सामने हाजिर हम आज एक नई वीडियो के रिएक्शन के साथ। तो आज हम क्या लेकर आए हैं? बिग बॉस आज हम लेकर आए हैं सलमान खान का एग्रेशन। अच्छा। जितने दफा सलमान खान जो है वो जितनी दफा जो है ना गुस्सा हुए ना बिग बॉस के अंदर, तो वो आज हम वो वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही जबरदस्त वाली वीडियो होने वाली है क्योंकि हम सलमान खान का गुस्सा देखने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं सल्लू भाई का जो गुस्सा देखते हैं। हमारे चैनल पर नया आने वाले से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर कीजिए। ठीक है, तो आए हमारे साथ, लेट्स गो। ये घर में आके तुमको मार के जाऊंगा। ये शो आपके लायक है नहीं, प्लीज लीव माय होम। सलमान खान का फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस शुरू हो चुका है, लेकिन सलमान खान के रियलिटी शो से यूं तो कई सेलेब्स काफी शोहरत पा चुके हैं, लेकिन कुछ कंटेस्टेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने बिग बॉस हाउस में रहते हुए खूब अकड़ दिखाई थी। अच्छा। जिसके कारण सलमान खान का गुस्सा भी कई बार इन कंटेस्टेंट पर फूट पड़ा था। अच्छा। आइए जानते हैं कौन थे वो कंटेस्टेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नंबर एक, सिद्धार्थ भारद्वाज। सलमान खान सबसे पहली बार सीजन 5 के कंटेस्टेंट पर गुस्सा करते नजर आए थे। सलमान के गुस्से की वजह बनी थी महक चहल के साथ सिद्धार्थ की लड़ाई। मेंढक लग रही है, मेंढक देख अपने आप को, चलता फिरता मेंढक लगती है तू। अबे भागा, वो जानबूझ कर रही है, चल निकल यहाँ से। बदबू मारती है, अबे बदबू मारती है। इतना गुस्सा तो बनता ही है क्योंकि औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सिद्धार्थ और महक के बीच हुआ हंगामा सलमान को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसमें महक का साथ देते हुए सलमान ने उनकी खूब क्लास लगाई थी। मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा। औकात, आप कौन होते हैं किसी की औकात दिखाने के लिए? मेंढक, आइटम सॉन्ग में जूनियर आर्टिस्ट, ये लड़की के पीछे जाके लात मारना, ये क्या है? How dare you talk to somebody like that? आज तक जो भी हो गया हो गया है, just ध्यान रखो। नंबर दो, इमाम सिद्दीकी। सीजन 6 के वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान इमाम सिद्दीकी को उनके लापरवाह रवैये के लिए सलमान खान के गुस्से का सामना करना पड़ा था। बात सिर्फ इतनी ही थी कि सलमान ने इमाम से घर से बेघर होने के लिए दो लोगों को नॉमिनेट करने के लिए कहा था और इमाम ने घर के कैप्टन का ही नाम ले लिया। इस पर सलमान ने उन्हें दोबारा समझाया, लेकिन जब इमाम ने टाइम आउट कहा तो सलमान को गुस्सा आ गया और वो इमाम पर बरस पड़े। आपकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है इमाम जी। सर कि निकेतन कैप्टन है, वो क्या है, क्यों है, वो आप भी जानते हैं। ना ना ना, ये रूल्स के हिसाब से अगर आप गेम खेलते हैं, गेम जानते हैं आप। सलमान भाई टाइम आउट। ना ना, जब गेम, सलमान भाई टाइम आउट। ड्यूड इमाम, यस सर, हद में रहना मेरे साथ। यू डोंट ट्राई व्हाट यू ट्राई इनसाइड विद मी। I'm not trying anything. You ask me for two names again. ये क्या है? Time out क्या है? मैं दो नाम किससे बात कर रहा हूँ? दो नाम। नंबर तीन, ये तो बहुत ही बड़ा होता। सेवन में तनिषा मुखर्जी और कुशाल टंडन के बीच हुआ झगड़ा काफी सुर्खियों में रहा था। एक टास्क के दौरान दोनों के बीच जमकर बहस हुई थी, जिसके बाद तनिषा ने कुशाल को अपने कंधे से धक्का दिया था। इससे कुशाल इतने नाराज हुए कि वो तनिषा पर हावी होने लगे, जिसके बाद सलमान ने कुशाल की जमकर क्लास लगाई थी। जिस हिसाब से आपने तनिषा से बात की, कसम खुदा की अगर मैं तनिषा होती तो मैं आपका गला घोट के मार देती आपको। मैं, घर का कचरा है, बाहर का कचरा है, यहीं पे है, ऐश डाला गया है, कचरा डाला गया है। अगर तुमको बाहर निकलना है घर से खुशहाल, अभी दरवाजा खुला देता हूँ यार मैं। ये चढ़ने उड़ने की क्या जरूरत है हर दो दो मिनट के ऊपर ये? एंड बिकॉज ऑफ दिस एपिसोड, दिस माइट बी द लास्ट सीजन। तुम इतने बड़े बदतमीज लग रहे हो, अ पर्सन हु इज स्पोकन सो बैडली टू वुमन, यू हैव नो आइडिया। तो बने के मारना चाहिए था खुशहाल को। आप तो चढ़ी गए यार, किसकी सुन रहे हो आप?
या आपका खुद का दिमाग है तो सही नहीं जा रहा। नंबर 4 बिग बॉस 8 में सलमान खान करिश्मा तन्ना की वजह से स्टेज छोड़कर चले गए थे। दरअसल वीकेंड के वार के दौरान सलमान करिश्मा को प्रीतम के नाम से जोड़कर छेड़ रहे थे। करिश्मा इसे मजाक की तरह ना लेते हुए कहने लगी कि ये बिल्कुल भी फनी नहीं है और रोने लगी। ये सब देखकर सलमान गुस्से में स्टेज छोड़कर चले गए। ये मेरे साथ भी होता है और फिर स्पेशली अगर ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कोई आए जाए हमारे ख्यालों में लो अरे कुछ होते नहीं तो मजाक नहीं ले सकते। रोने की जरूरत नहीं है, नहीं है तो रोने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज है। ये बात तो ये कॉमेडी में चल रहे शो में आए, ये कोई पर्सनल नहीं जाने किसी के ऊपर। मिस तन्ना, दिस इज योर जॉब, दिस इज माई जॉब। अगर ये रोना जॉब के हिसाब से है तो सुपर्ब है, या तो इसको एकदम बोरिंग शो कर दें। नहीं सर, बाहर में जाओ, ये सब रोना धोना करते रहना। नंबर 5 स्वामी ओम। इस लिस्ट में बिग बॉस 10 में नजर आ चुके स्वामी ओम का नाम भी शामिल है। सलमान खान ने स्वामी ओम को काफी खरी खोटी सुनाई थी। दरअसल स्वामी ओम ने उस सीजन में सभी घर वालों को अपनी बेहुदा हरकतों से काफी तंग किया था, जिसके चलते उनको भाईजान के गुस्से का सामना करना पड़ा। क्या कहा ये सब, क्या कहा आपने? पानी की माँ भी मेरी माँ है। भी माँ है आपकी? जी, ये मेरे हाथ से रस्सी छीन नहीं थी, मुझे धक्के मार रही थी। शेट ओम के ये आपके जबान से ये अल्फाज निकले कैसे, ये लाइन निकली कैसे? ये मेरे तो इसका मतलब ये आप बोले कि उसकी माँ मर जाए? बाबा तो आप बुलाने के लायक ही नहीं हो। बिल्कुल, मैं आपको आज से ओम बुलाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, देखो ओम जी। लेकिन इसके बाद भी स्वामी ओम नहीं सुधरे। टास्क के दौरान कंटेस्टेंट पर पेशाब फेंकने के लिए बिग बॉस ने उन्हें शो से निष्कासित कर दिया था। नंबर 6 प्रियंका जग्गा। प्रियंका जग्गा भी बिग बॉस 10 में नजर आई थी। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ घर वालों की नाक में दम किया बल्कि सलमान खान से भी बदतमीजी कर दी थी। प्रियंका की अकड़ देखकर सलमान का पारा चढ़ गया था और सलमान ने इन्हें बिग बॉस से बाहर निकाल दिया था। Sit down there quietly. I don't want to stay here. I want to show you guys something. ये सब ड्रामा हमारे साथ नहीं करना। प्लेट ऑन। आपकी औकात इस शो से बहुत ज्यादा ऊंची है, बड़ी है। ये शो आपके लायक है नहीं। इसने खुद ही बोला था ये इससे बड़ी औकात है। नंबर 7 जुबैर खान। दरअसल बिग बॉस 11 के दौरान कंटेस्टेंट जुबैर खान के साथ सलमान की फाइट शो के इतिहास की सबसे चर्चित कंट्रोवर्सी मानी जाती है। इस सीजन जुबैर का फीमेल कंटेस्टेंट के साथ गंदा व्यवहार फोड़ के जाऊंगा यहाँ पे दो कोड़ी की और तू पी जाओगा मेरे से नरना ने ठीक नहीं लगा। दो लोगों ने दिमाग किए ना उसकी कर दी बेइज्जती। अब तो नंगा है भाई जुबैर खान, बेहतर आदमी है जुबैर अटेला। सलमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसके चलते भाईजान ने जुबैर को वीकेंड का वार में काफी खरी खोटी सुनाई थी। जुबैर आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, कसम खुदा की तेरे कुत्ता ने बना दिया ना, मेरा नाम सलमान। सॉरी भाई। भाई नल्ले डॉन क्या किया भाई? दिखाता हूँ तेरे को मैं क्या करता हूँ। घर में निकालोगे, बहनों के साथ निकालोगे, ये नहीं कभी, बीवी के साथ निकालोगे ये शब्द कभी नहीं भाई जान। यहाँ पर क्यों भाई जान? ऑनेस्टली बताऊँ, तू मुझे भाई भाई नहीं बुलाएगा, समझे? तू कहाँ का है बे? तू औकात दिखाना ना तुझे। नंबर 8 पारस छाबड़ा। दिन के दौरान सलमान ने माहिरा शर्मा के साथ बढ़ती नजदीकियों पर पारस छाबड़ा से सवाल पूछते हुए कहा था कि आपका रिश्ता बाहर बिल्कुल भी फ्रेंडशिप वाला नहीं लग रहा है। साथ ही कहा था कि उनकी गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी ने उन्हें फोन किया था और मामले के बारे में पता करने को कहा था। इस पर पारस को गुस्सा आने लगा, जिस पर सलमान ने उनसे कहा कि तुम अपनी आवाज नीचे रखो, मुझसे स्टोन में बात मत करना। अरे मैं अगर मेरे पे कोई ब्लेम लग रहा है कि मैं बोलूं ना, ब्लेम क्या लग रहा है? सुन सकता है ना? ए पारस, यहाँ पे मैं गेम नहीं खेल रहा। ये जो टोन ना मुझसे मत यूज करना। ये सर मैं आपसे, सर एक मिनट सर, आपसे मैंने उस तरीके से तू ना
दो मिनट सर आप कीप योर वॉइस डाउन मैं आ जाऊं क्या अपनी पर नंबर 9 शहनाज गिल सलमान खान की चहेती कंटेस्टेंट शहनाज गिल भी एक दफा वीकेंड का वार में अपनी हद पार कर चुकी थी शहनाज और माहिरा के बीच इस बात की तुलना होती थी कि घर में कौन किससे अधिक जलता है ऐसे में घर वालों को अपनी राय देनी थी ज्यादातर लोग शहनाज को माहिरा से जलन होती है करते हैं शहनाज का ये सुनकर दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है सुनो नहीं मैंने मुझे धोखा दिया मैंने ये नाटक मेरे सामने मत करना समझी कोई रहना यहाँ पे मैं यहाँ पर तुमसे बहुत इज्जत से पेश आता हूँ मेरे साथ भी इज्जत से पेश आओ समझी आप ये नौटंकी नहीं चाहिए मुझे जाओ वहाँ पे जाके बैठ जाओ चुपचाप से चार साल की बच्ची हो क्या नंबर 10 अभिजीत बिचकुले बिग बॉस 15 में वीकेंड का वार पर सलमान खान ने बिचकुले पर काफी गुस्सा किया था के दौरान अभिजीत बिचकुले ने देबुलेना और प्रतीक सहजपाल के लिए काफी अपशब्द इस्तेमाल किए थे वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान इसी मुद्दे को उठाते हुए बिचकुले को वार्निंग तक दे डालते हैं आप बहुत गलत गए हो वो जो गालियां दी ना आपने वो यहाँ पर हम दोहरा भी नहीं सकते ये वार्निंग दे रहा हूँ मिडवीक आके निकाल के जाऊंगा यहाँ से बाल पकड़ के ये बनेगा प्राइम मिनिस्टर ये बनेगा प्राइम मिनिस्टर तू बोलेगा ना घर में आके तुमको मार के जाऊंगा तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अगर हमसे कोई छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर भाई नो डाउट सलमान खान बहुत ही तो भाई हाँ मुझे तो नहीं लगा कि भाई जो औरत की जो इज्जत है और फीमेल की जो इज्जत है वो सल्लू भाई की नजर में बहुत अच्छी लगी सबसे ज्यादा मुझे ये बहुत अच्छी लगी क्योंकि औरत को इज्जत देनी चाहिए भले कुछ भी हो थोड़ी सी कम्प्रोमाइज करना चाहिए थोड़ा सा दरगुजर से काम लेना और बहुत ऐसी चीजें हैं कि सलमान खान दिखाते नहीं है मतलब बहुत छुपके चैरिटी वगैरह करते हैं लेकिन वो बताते नहीं है दिखाते नहीं है वो आपको दूसरों के जरिए पता जरूर चलेगी लेकिन उनके जरिए पता नहीं चलेगी बहुत अच्छी बात है वो तो बिग बॉस जो है ना वो सूट भी सलमान खान पर ही करता है ये बात तो है उसके उनके बगैर कोई नहीं है बिग बॉस का तस्वीर भी नहीं है ठीक है ना तो उनका सल्लू भैया जो है ना वो सूट करता है और उधर क्या सबसे ज्यादा अच्छा सीजन सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज गिल वाला ये जल्दी ना लड़की शहनाज गिल वो वाला बड़ा अच्छा था यार वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था और वो कोई एक ही सीजन होता है जो ऐसे बनते हैं एक बात है. तो आपको कौन सा सीजन पसंद आया था हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा ठीक है ना अपना खूबसूरत सा फीडबैक हमें कमेंट्स की सूरत में जरूर कीजिएगा ठीक है ना तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज